मुलेदार में रूसी सेना का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। रशियन पैराट्रूपर्स ने यूक्रेनी पोस्ट पर अटैक किया। रशियन सैनिक कर रहे हैं अंधाधुंध फायरिंग। यूक्रेनी पोस्ट को कब्जा करने की कोशिश में है रूसी सेना। वॉशिंगटन और लंदन अब तक मॉस्को पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि वो न्यूक्लियर युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वॉर जोन में न्यूक्लियर बम बनाने का सामान पहुंचा रहा है ब्रिटेन। वही ब्रिटेन जो बार बार अपने ऊपर रूस के न्यूक्लियर बम का खतरा जताता रहा है। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाले टैंक शेल सप्लाई करेगा, यानी टैंक के गोले में रेडिएशन फैलाने वाला यूरेनियम भरकर यूक्रेन भेजा जा रहा है। रूस ने कहा है कि यह मानवता के खिलाफ अपराध है। रूसी सेना पर न्यूक्लियर अटैक जैसा ही है ये। पुतिन ने ब्रिटेन विनाश की सीधी चेतावनी भी जारी कर दी है। ब्रिटेन का ऑपरेशन डीयू कभी भी विश्व विनाश की चिंगारी बन सकता है। महाविनाश का बारूद यूक्रेन पहुंचने वाला है। जिस महाविनाश की आशंका से दुनिया दहली हुई है वो अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि विध्वंस की चिंगारी का बंदोबस्त हो चुका है और ये ज्वाला कभी भी भड़क सकती है। अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर परमाणु युद्ध भड़काने का आरोप लगाते रहे, लेकिन अब वेस्टर्न सुपर पावर्स का ब्लॉक परमाणु युद्ध भड़काने वाला हथियार तैयार कर चुका है। नेटो सदस्य यूनाइटेड किंगडम ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम के टैंक शेल सप्लाई करने वाला है। ब्रिटेन की रक्षा राज्य मंत्री एनिबिल गोल्डी की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि यूके यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स सप्लाई करने वाला है। ब्रिटेन चैलेंजर 2 टैंक के साथ ये गोले भेज रहा है जो आर्मर्ड व्हीकल को भेद कर पिघला सकते हैं। यूरेनियम ही वो धातु है जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जाता है, और अब इस धातु के अवशेष टैंक के गोलों में भरकर यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। ब्रिटेन यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक देने वाला है। चैलेंजर से फायर होने वाले गोले में डिप्लीटेड यूरेनियम मौजूद है और ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। रूस का आरोप है कि अगर यूरेनियम वाले गोलों का इस्तेमाल हुआ तो इससे रेडिएशन फैलेगा, लोग कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बनेंगे और ये ब्रिटेन का मानवता के खिलाफ अपराध होगा। यूरेनियम की एक चिंगारी न्यूक्लियर विनाश की मिसाइल फायर करा सकती है, तो सवाल ये है कि आखिर डिप्लीटेड यूरेनियम है क्या और रूस इसका विरोध क्यों कर रहा है। रिएक्टर या न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए संवर्धित किए जा चुके यूरेनियम के बचे अवशेष को डिप्लीटेड यूरेनियम कहा जाता है। ठोस अवस्था में यूरेनियम बहुत कम रेडियो एक्टिव होता है। इसको टैंक के गोलों में भरकर उन्हें कठोर बनाया जाता है। यूरेनियम से भरे गोले आर्मर्ड व्हीकल्स का कवच भेद देते हैं। डिप्लीटेड यूरेनियम से भरे टैंक शेल जब दुश्मन टैंक से टकराते हैं तो वहां पर भयंकर विस्फोट होता है। 538 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा होता है। टैंक का आर्मर चटक जाता है, लेकिन इस दौरान कम मात्रा में रेडिएशन भी फैलता है। युद्ध में रूस की आर्टिलरी और टैंक बटालियन को खासा नुकसान हुआ है।
अब अगर डिप्लीटेड यूरेनियम के हार्ड शेल से टैंकों को निशाना बनाया गया तो बचने का कोई सवाल नहीं है। इसीलिए रूस ने एतराज जताया है और धमकी भी दी है। इक्कीस मार्च को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिटेन के इस फैसले का विरोध किया और कहा कि अगर डिप्लीटेड यूरेनियम वॉर जोन भेजा गया तो रूस भी मन मुताबिक जवाब देने के लिए आजाद है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर यूरेनियम वाले शेल्स इस्तेमाल किए गए तो फिर रूस भी न्यूक्लियर हमला करने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा है कि रूस को विध्वंसक जवाब देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यूक्रेन को आर्मर भेजने वाले यूरेनियम बम दिए जा रहे हैं। ब्रिटेन ने अगर हथियारों की मदद बढ़ाई तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होगा। हालांकि ब्रिटेन सरकार ने अपने इस फैसले के बचाव में तर्क दिए हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि डिप्लीटेड यूरेनियम शेल से रेडिएशन नहीं फैलता, ये परंपरागत हथियार है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि टैंक शेल न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इनमें प्राकृतिक यूरेनियम भरा है। ब्रिटिश आर्मी दशकों से ऐसे गोलों का इस्तेमाल कर रही है, रूस जानबूझकर भ्रम फैला रहा है। दरअसल यूरेनियम से भरे टैंक शेल्स टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को एक बार में ही ध्वस्त कर देते हैं, लेकिन रूस का दावा है कि इनसे रेडिएशन फैलता है। जनवरी में रूस जर्मनी पर भी रेडिएशन फैलाने वाले टैंक शेल्स भेजने का आरोप लगा चुका है। जनवरी में रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि लेपर्ड, ब्रैडली और मार्डर टैंक में यूरेनियम वाले गोले का इस्तेमाल होता है। इनके वॉर जोन में पहुंचने का मतलब होगा रूस को न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर करना। इक्कीस मार्च को ब्रिटेन के ऐलान करते ही रूस के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर ब्रिटेन के लिए न्यूक्लियर चेतावनी जारी कर दी। सर्गेई शोइगु ने कहा है कि परमाणु टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच न्यूक्लियर टकराव शुरू होने में कुछ ही कदम बाकी बचे हैं। यूक्रेन को यूरेनियम बम देने का मतलब रूस को आखिरी कदम उठाने के लिए उकसाना होगा। इक्कीस मार्च को रूस ने दो न्यूक्लियर धमकी दी है। अगर यूरेनियम बम यूक्रेन को दिया गया तो रूस कभी भी अपनी न्यूक्लियर मिसाइल लंदन पर लॉन्च कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि जिनपिंग मॉस्को का दौरा इसलिए कर रहे हैं ताकि रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो सके। कई रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरे से जिनपिंग दुनिया में शांति दूत की इमेज हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मॉस्को से जिनपिंग के निकलते ही क्रेमलिन ने यह साफ कर दिया कि दोनों नेताओं की मुलाकात में यूक्रेन के साथ शांति की योजना पर कोई बात नहीं हुई। अब यह साफ हो चुका है कि खुदगर्जी के लिए मशहूर चीन इस दौरे से भी कुछ हासिल करने ही आया था। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से भिड़ने की हिम्मत जिनपिंग अब तक नहीं कर सके हैं। माना जा रहा है कि अब पुतिन के साथ मिलकर जिनपिंग अमेरिका को चुनौती देंगे। 100 साल के इतिहास को बदलने का ख्वाब और विध्वंस के ऐसे हथियार बनाने का जुनून कि बरसों से कायम वर्ल्ड ऑर्डर चंद महीनों में बदल जाए। ये हिसाब ताकत की भूख और अमेरिका से दो हाथ करने वाले पार्टनर की तलाश में ही जिनपिंग ने बीजिंग से मॉस्को का सफर किया। इतने एटम बम कि अमेरिका आंख उठाने की हिम्मत ना करे।
इतने ज्यादा हथियार और इतनी बड़ी सेना कि नेटो देश चीन के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे। जिनपिंग के मॉस्को दौरे से जो संकेत मिले हैं वो नए नहीं हैं। मॉस्को से जाते जाते जिनपिंग के दिल में पनप रहा तूफान शब्दों के जरिए जुबां से बाहर आ ही गया। जिनपिंग के इन शब्दों में चेतावनी भी है और बेशुमार उम्मीदें भी। पिछले कई बरसों से ये कई बार साबित हो चुका है कि ड्रैगन करवट भी लेता है तो अपनी खुद गर्जी की वजह से। इस बार तो जिनपिंग खुद मॉस्को तक पहुंच गए, लिहाजा मकसद बहुत बड़ा होगा। क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि जिनपिंग ने पुतिन से युद्ध रोकने की कोई बात नहीं की। जिनपिंग शांति से जुड़ी कोई योजना नहीं लेकर आए थे। पुतिन जिनपिंग के बीच दोनों देशों में सिर्फ सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने अपने बयान से उन तमाम दावों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि जिनपिंग युद्ध खत्म करवाने की कोशिश करेंगे। जिनपिंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। दुनिया भर में कारोबार फैलाने के मकसद रखने वाले जिनपिंग ने मॉस्को में भी सिर्फ लेन देन की डील की। हाँ, ये जरूर है कि चीन रूस की डील को दोस्ती की चाशनी वाली परत से ढक दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन जिनपिंग ने नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का संकल्प लिया। यूक्रेन में युद्ध खत्म करने और शांति लाने का कोई प्लान नहीं है। जिनपिंग ने युद्ध में समर्थन देने की कोई बात नहीं कही है। जिनपिंग ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन दोनों की मुलाकात का मकसद अमेरिका की सुप्रीमेसी को खत्म करना है। रूस से चीन ने 25,000 किलो यूरेनियम खरीदा है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में होगा। चीन में परमाणु हथियार बनाने में नई तेजी आई है। जिनपिंग ने मॉस्को में न्यूक्लियर वॉर की खूब बुराई की, लेकिन असलियत क्या है यह रिपोर्ट से पता चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इंजीनियर्स की तरफ से बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल को ताइवान के उत्तरी तट से करीब 220 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर भेजा गया था। रिपोर्ट से पता चला कि चांग बियाओ द्वीप पर चीन का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर CFR-600 एक अहम परमाणु ठिकानों में से एक है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन का CFR-600 इस साल वेपन ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन शुरू कर देगा, जो अगले 12 सालों के लिए चीन को हथियारों के जखीरे को 4 गुना तक बढ़ाने की ताकत देगा। रिपोर्ट के मुताबिक जिस लालच की वजह से ईरान रूस को हथियार दे रहा है, वैसे ही डील चीन और रूस के बीच भी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरह चीन भी रूस को ड्रोन दे रहा है। $12 मिलियन का ड्रोन रूस को मिल चुका है। चीन आगे भी हथियारों की सप्लाई करता रहेगा। नेटो के महासचिव ने दावा किया है कि रूस ने चीन से घातक हथियारों की मांग की है। जिनपिंग वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहते हैं और इसके लिए जरूरी है कि वो अमेरिका की बादशाहत को खत्म करें। चीन रूस से दोस्ती कर चुका है और अमेरिका की ताकत को कम करने के लिए बेहिसाब परमाणु हथियार बना रहा है। जापान की एक एजेंसी ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टॉप सोर्सेस के हवाले से बताया है कि चीन ने 2035 तक 900 परमाणु हथियार बनाने की तैयारी की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एटमी वॉरहेड दुगने करने के प्लान को अपनी मंजूरी दे दी है। क्योटो के सूत्रों ने दावा किया है कि चीन के एटमी वॉरहेड की संख्या 2027 तक 400 से बढ़कर करीब 550 हो जाएगी। 2035 तक परमाणु हथियारों की संख्या 900 तक पहुंचने का टारगेट है। हालांकि क्योटो न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में चीन की न्यूक्लियर तैयारी को लेकर जिस तरह के नंबर बताए गए हैं वो अमेरिका द्वारा दिए गए नंबर से काफी कम है। पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2035 तक चीन के पास न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 1500 हो जाएगी।
दुनिया भर के परमाणु हथियार संपन्न देशों के पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, इसका पुख्ता आंकड़ा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री का माना जाता है। सिप्री ईयरबुक 2022 के मुताबिक रूस के पास कुल परमाणु हथियार 6255 है। रूस ने 1588 वॉरहेड तैनात कर रखे हैं, जबकि 2889 वॉरहेड उसके परमाणु जखीरे में रखे हुए हैं। इसी तरह अमेरिका के पास कुल परमाणु हथियार 5550 है। अमेरिका ने 1744 वॉरहेड तैनात कर रखे हैं, जबकि 1964 वॉरहेड परमाणु जखीरे में रखे हुए हैं। जिनपिंग के दिमाग में परमाणु बम की ऐसी सनक सवार है जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। चीन सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही जमा नहीं कर रहा है, उसका फोकस न्यूक्लियर वॉरहेड्स के सटीक इस्तेमाल के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट पर भी है। अब पुतिन के साथ जिनपिंग की मुलाकात के बाद ये साफ हो चुका है कि चीन रूस को युद्ध के लिए हथियार देगा और बदले में रूस चीन को परमाणु हथियार बनाने में मदद करेगा। परमाणु हथियारों की ये होड़ दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन को जिन हथियारों की डिलीवरी के लिए पेंटागन आनाकानी कर रहा था, ज़ेलेंस्की की जिन वेपन डिमांड को बाइडेन अनदेखा कर रहे थे, आज उन्हीं विध्वंसक वेपन्स की खेप वक्त से पहले कीव पहुंचाने की तैयारी हो रही है, ताकि जल्द से जल्द यूक्रेनी सेना वॉर जोन में अमेरिकी वेपन्स का इस्तेमाल कर सके, रूसी ब्रिगेड को बैकफुट पर ला सके। मगर बड़ा सवाल यह है कि अचानक ही अमेरिका का मन कैसे बदला, क्यों बाइडेन ने ज़ेलेंस्की की वेपन्स फाइल्स पर फौरन मोहर लगा दी? तो इसकी वजह है शी पुतिन का वो गठबंधन जिसके चलते किसी भी वक्त वॉर जोन में एटमी आंधी आ सकती है। कैसे, आप भी देखिए। जिनपिंग पुतिन की मुलाकात ने कीव में तो सनसनी मचा ही रखी है, मगर जंग के दौरान शी पुतिन के गठबंधन ने वॉशिंगटन में भी खलबली मचा दी है। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक सन्न है, अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन भी बौखलाए हुए हैं। और इसी प्रेशर गेम के चलते अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है, जानते हैं क्या? यूक्रेन को तेज रफ्तार के साथ हथियारों की सप्लाई। वक्त से पहले विध्वंसक हथियारों की खेप की कीव तक डिलीवरी। दरअसल पेंटागन की तरफ से जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक अमेरिका M1 अब्राम्स टैंक वक्त से पहले कीव भेजेगा। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी जल्द ही कीव डिलीवर होगा। इसके अलावा 30 लाख क्लस्टर शेल्स यूक्रेन को मिलेंगे। अमेरिकी F-16 फाइटर जेट भी यूक्रेन को दे सकता है। दरअसल ये वही अमेरिका है जो बीते कई महीनों से ज़ेलेंस्की की तमाम मांगों को अनदेखा कर रहा था। ये वही अमेरिका है जो इन हथियारों की सप्लाई को लेकर आनाकानी कर रहा था। ये वही अमेरिका है जो कायदे कानून के नाम पर यूक्रेनी फौज को हथियार देने से मना कर रहा था। मगर आज वही अमेरिका वक्त से पहले हर विध्वंसक वेपन को कीव पहुंचाने में जुटा है। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है जिनपिंग पुतिन की महामुलाकात, युद्ध को लेकर दोनों सुपर लीडर के बीच हुई बात। दरअसल जिनपिंग जब रूस पहुंचे उस दौरान उनकी रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से 1-to-1 मीटिंग हुई, वो भी करीब 4 घंटे तक। और इसी हाई लेवल टॉक को लेकर ये चर्चाएं सामने आई हैं कि जल्द ही जिनपिंग रूस की मदद के लिए हथियारों की सप्लाई कर सकते हैं। आखिर वो हथियार कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। TF-15 मिसाइल, PHL-16 MLRS, HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, टाइप 96B टैंक। अगर चीन के ये हथियार मॉस्को पहुंचते हैं तो फिर रूसी सेना का पहले से ज्यादा ताकतवर होना तय है।
क्योंकि मौजूदा वक्त में यूक्रेन से जो जंग जारी है उसमें यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों की फहरिस्त तो लंबी है, मगर रूस को हथियारों की सप्लाई करने वाला सैन्य मदद करने वाले देश चुनिंदा है। ऐसे में जिनपिंग का पुतिन के साथ खड़े होना सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी है। और जहां तक बात यूक्रेन को अमेरिका से मिल रही मदद की है, अब्राम्स टैंक, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और क्लस्टर शेल्स की है, तो पुतिन ने भी बैटल ऑफ विध्वंस में अपने सबसे खूंखार लड़ाके को झोंक दिया है, जिसका नाम है T-90 टैंक। रूसी सेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाका T-90 टैंक, जिसे लेकर ये दावा किया जाता है कि अगर रूसी डिफेंस का ये योद्धा वॉर जोन में उतरा तो दुश्मन का नामो निशान मिटना तय है, क्योंकि बारूदी तूफान लाने वाले इस विध्वंसक की एंट्री से ही दुश्मन दहल जाता है। इसकी फाइटिंग स्किल और अटैकिंग मोड का कोई सानी नहीं, आखिर कैसे ये भी जान लीजिए। T-90 रूसी डिफेंस का मुख्य युद्धक टैंक है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस विध्वंसक का कुल वजन करीब 48 टन है। रूसी डिफेंस का T-90 थर्ड जनरेशन टैंक है। इसमें 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर कैनन लगी होती है। ये कैनन 10 से 12 राउंड गोले हर मिनट ताकती है। इसमें 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन भी लगी होती है। T-90 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी लैस होता है, जिसके चलते ड्रोन और हेलीकॉप्टर पर भी अटैक संभव है। T-90 टैंक के कवच को भेदना नामुमकिन है। रॉकेट और मिसाइल भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस मेन बैटल टैंक की सबसे खास बात यह है कि इसमें धुएं को पैदा करने वाला ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम लगा होता है। टारगेट सेट करने के बाद सटीक निशाना लगाना और 5 मीटर गहरे पानी को भी आसानी से पार करने में T-90 टैंक सक्षम है। इतना ही नहीं, रूस ने T-80 T-62M टैंक को भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतारा है। T-62M टैंक को खास तौर पर अपग्रेड किया गया है। इसमें 1PN 96MT थर्मल इमेजिंग साइट सिस्टम लगाया गया है, ताकि ये रात के वक्त भी दुश्मन के ठिकानों पर गोला बारूद बरसा सके। आर पार की जंग में सॉलिड और सटीक निशाना लगा सके। मतलब साफ है कि भले ही यूक्रेन की मदद करने के लिए महाशक्ति अमेरिका और नेटो के दर्जनों देश लगे हो, लेकिन महाबली रूस अपने ही दम पर यूक्रेन के साथ साथ अपने हर दुश्मन के होश फाख्ता कर देगा। और अब तो जिनपिंग ने भी रूस का साथ देने का ऐलान कर दिया है, यानी साल 2023 में दो मुल्कों की जंग प्रचंड युद्ध में तब्दील हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन युद्ध इस वक्त बहुत खतरनाक मोड़ पर है। बीते 3 दिनों में क्रीमिया और पश्चिमी रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमले हुए हैं, जिसे राष्ट्रपति पुतिन को सीधी चुनौती माना जा रहा है। पुतिन किसी भी कीमत पर क्रीमिया को नहीं छोड़ेंगे, ये जानते हुए भी यूक्रेन ने क्रीमिया पर एक नहीं बल्कि 2 जगह ड्रोन से हमले किए। साथ ही पुतिन के गुस्से की आग भड़काने के लिए पश्चिमी रूस में तेल पाइपलाइन को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। जिस वक्त क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी दोस्ती का जाम छलका रहे थे, लगभग उसी दौरान क्रेमलिन से लगभग 400 किलोमीटर दूर रूस के ब्रयांस्क में तेल पाइपलाइन पर एक धमाका हुआ। ब्रयांस के गवर्नर अलेक्जेंडर बोगोमाज ने तेल पाइपलाइन पर हमले की पुष्टि अपने टेलीग्राम अकाउंट पर की। उन्होंने दावा किया कि तेल पाइपलाइन पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ब्रयांस्क में दुनिया की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन है। यूक्रेन युद्ध से पहले इस पाइपलाइन से पोलैंड, बेलारूस, हंगरी,
चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और जर्मनी तक तेल की सप्लाई होती थी। ब्रांस की तेल पाइपलाइन पर हमले पर यूक्रेन ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन ब्रांस के गवर्नर का दावा है कि हमला यूक्रेन की तरफ से ही हुआ। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि ड्रोन हमले के बाद भी तेल पाइपलाइन को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले को यूक्रेन के दुस्साहस के तौर पर देखा जा रहा है और ये इस बात का संकेत भी है कि नेटो की शह पर ज़ेलेंस्की रूस के तेल और गैस भंडारों को निशाना बना रहे हैं ताकि रूस की अर्थव्यवस्था पर करारी चोट की जा सके। फ्रांस पर ड्रोन हमले से कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के ईगो पर हमला किया। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया कि क्रीमिया में रेल ब्रिज पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें कैलिबर मिसाइल ले जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन दावा किया कि क्रीमिया में रूस के सैन्य ठिकानों पर भेजी जा रही मिसाइलों की पूरी खेप ड्रोन हमले में तबाह हो गई है। वहीं क्रीमिया के सेवस्तोपोल पर भी एक ड्रोन हमला हुआ, जिसे रूस की सेना ने नाकाम कर दिया। क्रीमिया के रूसी गवर्नर के मुताबिक कुल 3 ड्रोन सेवस्तोपोल में घुसपैठ कर रहे थे, जिन्हें रूसी सैनिकों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार गिराया। हालांकि इस दौरान हुए धमाकों में कुछ इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। क्रीमिया पर इन हमलों को यूक्रेन की आक्रामक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ब्लैक सी पर कंट्रोल रखने के लिए क्रीमिया पर रूस का कब्जा जरूरी है और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुली धमकी दे चुके हैं कि अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो रूस अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा, चाहे उसके बाद विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध ही क्यों ना छिड़ जाए। इसके बाद भी क्रीमिया पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक का मतलब यही है कि ज़ेलेंस्की अब पुतिन को बड़े युद्ध के लिए उकसा रहे हैं और ये काम अमेरिका और नेटो की शह के बिना संभव नहीं है। अमेरिका और नेटो की मदद से यूक्रेन की सेना क्रीमिया पर हमले की योजना पहले से बना रही थी। इसका खुलासा नेटो के प्रमुख येंस स्टॉल्टनबर्ग ने जनवरी में ही कर दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों के बाद यूक्रेन इस जंग को क्रीमिया की तरफ ले जाएगा। क्रीमिया चूंकि रूस की रणनीतिक नब्ज है, इसलिए क्रीमिया पर आंच आते ही जंग भयानक हो जाएगी। यूरोप में तैनात अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बेन हॉजेस ने भी जनवरी में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यूक्रेन युद्ध का फैसला क्रीमिया में ही होना है। यूक्रेन को पता है कि जब तक क्रीमिया पर रूस का कब्जा है, तब तक यूक्रेन में शांति और सुरक्षा संभव नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी पिछले कुछ महीनों से क्रीमिया को दोबारा यूक्रेन का हिस्सा बनाने का दम भर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन और नेटो को भी अंदाजा है कि क्रीमिया पर डायरेक्ट अटैक का मतलब है पुतिन के गुस्से की आग भड़काना। क्रीमिया पर हमले का बदला लेने के लिए पुतिन क्या कर सकते हैं, इसे सोचकर ही नेटो के होश उड़े हुए हैं। इसीलिए क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हो या फिर इस हफ्ते हुए ड्रोन हमले, यूक्रेन की सेना इसका क्रेडिट लेने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाई है। माना जा रहा है कि चोरी से ड्रोन हमला करके यूक्रेन और नेटो सिर्फ ये आजमा रहे हैं कि पुतिन का इस पर रिएक्शन क्या होगा। फिलहाल रूस ने क्रीमिया और ब्रियांस्क पर हुए ड्रोन हमलों पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। पुतिन के क्रीमिया दौरे के एक हफ्ते के अंदर ड्रोन हमले को पुतिन के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है, इसलिए इतना तो तय है कि पुतिन इसके लिए यूक्रेन और नेटो को सबक सिखाने के लिए कोई न कोई बड़ा धमाका जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेनी सैनिक का रॉकेट लॉन्चर से बड़ा अटैक। यूक्रेनी सैनिक ने एयरट्रॉनिक PSRL से किया है ये बड़ा हमला। यूक्रेनी डिफेंस ने जारी किया है इस हमले का वीडियो।
यूक्रेन ने हिमार्स से किया बहुत बड़ा अटैक। ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन ने रूसी फौज को दहला दिया। हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। किम जोंग लगातार मिसाइल धमाके कर रहा है। बुधवार को भी किम जोंग क्रूज मिसाइलें दागकर अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। गुरुवार को साउथ कोरिया और अमेरिका का युद्धाभ्यास खत्म हो रहा है, लेकिन अमेरिका नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को चैन नहीं देगा। नए प्लान के तहत नॉर्थ कोरिया के करीब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचने वाला है। इसके बाद जून में साउथ कोरिया और अमेरिका ऐसा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं जिसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये सब किम जोंग की धमकी और मिसाइल टेस्टिंग का जवाब माना जा रहा है। ऐसा एक्शन की किम जोंग देखता रह जाएगा। शक्ति का ऐसा प्रदर्शन कि नॉर्थ कोरिया की सेना हैरान रह जाएगी। अमेरिका जल्द किम जोंग को यह दिखाने जा रहा है कि आखिर पूरी दुनिया उसे सुपर पावर क्यों कहती है। अमेरिका और साउथ कोरिया बारूद की ऐसी बरसात करने वाले हैं जिसे अगर नॉर्थ कोरिया पर किया जाए तो किम जोंग का पूरा मुल्क चंद घंटे में बर्बाद हो जाएगा। किम जोंग की ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्टिंग का जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। अमेरिका की ताकत पर फौज के साथ इस शक्ति प्रदर्शन में नॉर्थ कोरिया के दुश्मन साउथ कोरिया की सेना भी हिस्सा लेगी। अमेरिका साउथ कोरिया अब तक का सबसे बड़ा फायर ड्रिल करेंगे। दोनों देशों की दोस्ती के 70 साल पूरे होने पर शक्ति प्रदर्शन होगा। दोनों देशों की सेना लाइव फायरिंग करके किम को चेतावनी देंगी। दोनों देशों की सेना इस वक्त भी युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास की बौखलाहट में किम जोंग लगातार मिसाइलों से ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। बुधवार को भी नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलें गर्जी। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग ने एक बार फिर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। इसके अलावा किम जोंग ने अपनी सेना को परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दिया था। अब रिपोर्ट आई है कि नॉर्थ कोरिया में अमेरिका से युद्ध के लिए बहुत तेजी से सैनिकों की भर्ती का काम चल रहा है। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों में देश की सेना से 14 लाख से अधिक युवा जुड़ चुके हैं। नए सैनिकों ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को सबक सिखाने का संकल्प लिया है। नॉर्थ कोरिया की रेड गार्ड्स में सिर्फ 14 से 16 साल के लड़के हैं। किम इसे अपना अर्ध सैनिक बल कहता है। अब रेड गार्ड्स ने नॉर्थ कोरिया के दुश्मनों को सबक सिखाने की कसम खाई है। इतनी बड़ी सेना और इतनी घातक मिसाइलों को हासिल करने के बाद किम जोंग क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन किम जोंग की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका और साउथ कोरिया का युद्धाभ्यास जारी है। दोनों देशों का युद्धाभ्यास 23 मार्च को खत्म हो रहा है, लेकिन किम का गुस्सा और भड़कने वाला है क्योंकि अमेरिका अब दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त अभ्यास के एक और दौर की तैयारी में है। युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ कोरिया पहुंचने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से ज्यादा चर्चा अब उनके डिप्लोमेट की है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कई बार ये दावा किया जा चुका है कि पुतिन अपनी जगह अपने डिप्लोमेट यानी बॉडी डबल को पब्लिक के लिए भेज रहे हैं। बीते शनिवार यानी 18 मार्च को पुतिन अचानक मारियोपोल पहुंचे। यूक्रेन के इस शहर पर रूस का कब्जा है। पुतिन के मारियोपोल दौरे की तस्वीरें सामने आते ही बवाल मच गया। एक एक फ्रेम देखने के बाद कुछ लोगों ने दावा कर दिया कि मारियोपोल में पुतिन की जगह उनका बॉडी डबल मौजूद था। 18 मार्च 2023, मारियोपोल, यूक्रेन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उस दिन यूक्रेन के मारियोपोल में थे।
रूस के कब्जे वाले इस शहर में वो लोगों का हालचाल जानने गए थे। ये खबर भी रूस की सरकार ने ही जारी की। पुतिन ने जंग के बीच ये दिलेरी क्यों दिखाई, इस पर अमेरिका से लेकर यूरोप तक के एक्सपर्ट अपना ज्ञान देने में जुटे थे कि तभी यूक्रेन के आंतरिक मामलों के सलाहकार एंटन गेराशेंको एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी लेकर सामने आ गए। यूक्रेन सरकार के सलाहकार ने पुतिन के मारियोपोल दौरे की तस्वीरों का एक मोन्टाज बनाया और ट्विटर पर दावा कर दिया कि मारियोपोल में पुतिन नहीं बल्कि उनका हम शक्ल गया था। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के सलाहकार ने दावा किया कि इन तस्वीरों में पुतिन की चिन यानी ठुड्डी के नीचे वाला हिस्सा पुतिन की पुरानी तस्वीरों से मैच नहीं करता, ठुड्डी मैच नहीं करती, इसलिए यूक्रेन को शक है कि मारियोपोल में पुतिन ने अपना बॉडी डबल भेजा था। यूक्रेन युद्ध में पुतिन के हमशक्ल की कहानी इससे पहले भी सामने आ चुकी है। मई 2022 में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने दावा किया कि पुतिन बहुत बीमार हैं, इसलिए वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने बॉडी डबल यानी हमशक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने तब ये थ्योरी भी पेश कर दी कि क्या पता पुतिन जिंदा ही ना हो और उनकी जगह डुप्लीकेट पुतिन घूम रहा हो। जुलाई 2022 में तो पुतिन के बॉडी डबल की कहानी ने सारी सीमा ही पार कर दी। 19 जुलाई 2022 तेहरान, ईरान। राष्ट्रपति पुतिन ईरान के दौरे पर थे जहां तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगान के साथ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अर्दोगान को आने में 2-3 मिनट की देरी हुई तो पुतिन के हाव भाव पर लोगों की नजर पड़ी और पश्चिमी देशों की बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने बिना देरी किए ऐलान कर दिया कि ईरान में पुतिन की जगह उनका बॉडी डबल आया है, क्योंकि पुतिन सार्वजनिक तौर पर ऐसे मुंह नहीं बनाते। पुतिन के ईरान दौरे के बाद ही यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ मेजर जनरल काइराइलो बुदानोव की नजर पुतिन के कानों पर पड़ी थी। उन्होंने सिर्फ कान देखकर ऐलान कर दिया कि अलग अलग तस्वीरों में पुतिन के कान अलग दिख रहे हैं। मेजर जनरल बुदानोव का दावा था कि किसी आदमी के फिंगरप्रिंट की तरह उसके कान भी कभी नहीं बदलते, फिर पुतिन के कान कैसे बदले? इसका मतलब बुदानोव ने यही निकाला कि पुतिन अपने हम शक्लों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे पुतिन के हमशक्लों की कहानी पूरी दुनिया में यूक्रेन युद्ध के पहले से ही घूम रही है। तब अमेरिका को शक था कि पुतिन की जान को खतरा है, इसलिए वो अपने कई हमशक्लों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जून 2017 में अमेरिका के फिल्मकार ऑलिवर स्टोन जब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए पुतिन का इंटरव्यू कर रहे थे, तब पुतिन ने खुद बताया था कि उन पर 5 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, लेकिन उन्हें डर नहीं लगता क्योंकि उन्हें अपनी किस्मत और अपने सुरक्षा कर्मियों की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। फिर भी पुतिन के बॉडी डबल्स की कहानियां बंद नहीं हुई। जानकार मानते हैं कि दुनिया भर के तानाशाह अपने बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। पश्चिमी देश चूंकि पुतिन की इमेज तानाशाह के तौर पर बनाना चाहते हैं, इसलिए पुतिन के बॉडी डबल्स की कहानियां प्रोपेगेंडा के तहत समय समय पर परोस दी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बीती रात 10:15 के आसपास दिल्ली NCR में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, लेकिन भूकंप का दायरा सिर्फ राजधानी या फिर उसके आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि एशिया के 7 देशों तक था, जिसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। और जानते हैं भूकंप का केंद्र कहां था? अफगानिस्तान में। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बीते 24 घंटे में 3 बार धरती कांप उठी है। बार बार आ रहे भूचाल ने दहशत मचा रखी है। क्या ये महाप्रलय का संकेत है? देखिए इस रिपोर्ट। 6.6 तीव्रता से आए भूचाल ने एशिया के 7 देशों को थर्रा दिया। करीब 30 से 40 सेकंड तक एशिया के 7 मुल्कों की जमीन थरथराती रही और इस भूकंप के आने के बाद हर तरफ दहशत और खौफ का मंजर पसर गया। वैसे भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद इलाके से 133 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में जमीन से 156 किलोमीटर की गहराई में था, मगर इस जलजले की चपेट में पाकिस्तान, भारत, चीन जैसे मुल्क भी आ गए। दिल्ली NCR भी भूकंप के जोरदार झटकों से कांप उठा। मंगलवार देर रात 10:15 अचानक ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। भारत में भी इसका खासा असर देखा गया। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य भी कांप उठे। भूकंप के चलते रिहायशी इलाकों और बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों की जान हलक तक आ गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। दोबारा भूकंप के झटके ना आए,
इस डर से लोग घबराकर जान बचाने के लिए घरों से बाहर आ गए। दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद के कई इलाकों में लोगों ने सड़कों पर रात गुजारी। हालांकि भूकंप के चलते भारत में जान माल का नुकसान नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान में 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। अफगानिस्तान में भी भूकंप की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं, क्यों धरती जोरदार झटकों से लगातार थर्रा रही है। तो आपको बता दें कि धरती में मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों में लगातार हलचल हो रही है और टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टक्कर के चलते भूकंप की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के नए कानून के विरोध में कर्मचारियों का आंदोलन हिंसक हो गया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार फ्रांस की संसद में अविश्वास प्रस्ताव से जैसे तैसे बची, लेकिन जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया है। सिर्फ पेरिस में ही कर्मचारियों के साथ हिंसक झड़प में 400 से ज्यादा पुलिस वाले अभी तक घायल हो चुके हैं। पेरिस में पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था ये भीड़ कर्मचारियों की है। अपना काम काज बंद करके हजारों लोग सड़कों पर हैं। पुलिस पर पटाखे और आतिशबाजी जलाकर फेंक रहे हैं। गुस्से की ये आग फ्रांस में पेंशन सुधार कानून के विरोध में भड़की। पेंशन सुधार कानून के खिलाफ इस आंदोलन में फ्रांस के लगभग 13 लाख कर्मचारी सड़कों पर हैं। इनमें एयरलाइंस कंपनियों में काम करने वालों से लेकर सफाई कर्मचारी तक शामिल हैं, जिसकी वजह से फ्रांस में लगातार उड़ानें रद्द करनी पड़ रही। हफ्ते भर से कूड़ा उठाने का काम बंद, इसलिए पेरिस की सड़कों पर 10,000 टन से ज्यादा कचरा फैला हुआ है। फ्रांस में पेंशन सुधारों की चर्चा 2017 से ही चल रही थी। फ्रांस की सरकार की दलील थी कि सरकारी खजाने पर पेंशन का बोझ बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, इसलिए वो रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करना चाहती है। फ्रांस की लेफ्ट विंग पार्टियां और कर्मचारी संगठन रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के खिलाफ साल 2019 में हड़ताल पर चले गए। फिर कोरोना महामारी आ गई, इसलिए राष्ट्रपति मैक्रों को पेंशन सुधार का फैसला टालना पड़ा। लेकिन जनवरी 2023 में फ्रांस की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल करने के कानून का मसौदा पेश कर दिया। विरोध प्रदर्शनों के बाद 16 मार्च को मैक्रों सरकार ने इस कानून को संसद से पास कराए बिना सीधे राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए लागू कर दिया। इसी के बाद कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतर आए। वहीं फ्रांस के विपक्षी दलों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, जिस पर वोटिंग में मैक्रों की सरकार बाल बाल बची। महज 9 वोटों की कमी से अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इसके बाद मैक्रों ने प्रधानमंत्री को पद से हटाने या समय से पहले चुनाव कराने से भी इनकार कर दिया। अब आंदोलन कर रहे फ्रांस के कर्मचारी संगठन इस जिद पर अड़े हैं कि या तो पेंशन सुधार कानून बदला जाए या फिर इस कानून पर जनमत संग्रह कराया जाए।